जय हिंद दोस्तों, समाधान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आईसाइट के बारे में, मतलब आँखों की ताकत देखते देखते कम हो जाती है या फिर आँखों में कुछ देर तक टीवी देखने में या फिर पढ़ाई करने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कैसे सही कर सकते हैं और क्या सही तरीका है इसको सही करने के लिए, जो कि एकदम नेचुरल है और जिस तरीके से अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारी आँखों का नंबर जहाँ पर है वहीं पे रुक जाएगा और धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्दी उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपकी आंखें वीक हो रही हैं तो इसका कारण है जो आपकी आंखों के आसपास जो सेल्स हैं, जो नसें हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है उस प्रेशर को थोड़ा कम करें। वो प्रेशर कैसे कम होगा? जब हम टीवी देखते हैं तो हमारी वो नसें गर्म हो जाती हैं, जिस वजह से हमारी आंखों में दर्द शुरू हो जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है। अगर हम अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं तो हमारी आंखों में वो दर्द, नसों पे वो प्रेशर पड़ना धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको याद रखना है, आपको दिन में अपनी आंखों को 5 से 6 बार ठंडे पानी से आपको उन्हें धोना है। साथ ही साथ आप एक खीरा ले लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसका एक जूस बना लीजिए। अब उस खीरे को आप रेफ्रिजरेटर में, जो हमारी बर्फ़ जम आने वाली ट्रे होती है, उसमें डाल दीजिए। उससे आपको उसके छोटे छोटे क्यूब्स मिल जाएंगे। अब इन क्यूब्स को आप अपनी आँखों पर रखकर मालिश कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी आँखों की आसपास की नसों को आराम दे सकते हैं। ये हो गई पहली चीज़ जो आपको तुरंत करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जिससे आपका आँखों का नंबर बढ़ना वहीं पे ही रुक जाएगा, एक ब्लू कट वाला लेंस मिलता है, यानी कि एक ऐसे चश्मे की दुकान है जहाँ पर ब्लू कट वाले लेंस या फिर ब्लू कट वाले ग्लास के चश्मे बनते हैं, नंबर वाले या फिर बिना नंबर वाले, तो आप वो लेके आइए। इन चश्मों की खासियत ये होती है कि ये जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो कि आपको उस कंप्यूटर की स्क्रीन से मिलती है, बाहर सूरज की रोशनी में जाने से मिलती है, टीवी से मिलती है, उन सबको ये आपकी आंखों तक आने ही नहीं देता। तो अगर आप 2 घंटे 3 घंटे में आपकी आंखों में दर्द हो जाता था और अगर आप इस चश्मे को लगाते हैं तो आप उसी जगह पे अब 2 या 3 घंटे नहीं, 6, 7 या 8 घंटे बैठ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि कंप्यूटर पर आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और ना चाहते हुए भी वो कंप्यूटर के आगे से उठ नहीं सकते। तीसरी चीज़, हमारा पोषण। दोस्तों, हम अपनी आँखों को बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं या फिर उनको वो ताकत दे सकते हैं जिससे वो इतने घंटे कंप्यूटर के आगे बैठ सके, लेकिन पोषण से हमारी आँखें थोड़ा धीरे धीरे सही होती हैं, तो इसके अंदर आपको महीने भर तक का समय लग सकता है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको रोज़ाना सुबह सुबह उठते ही एक छोटा कप यानी 30 ml के आसपास आंवले का जूस पीना है। दोस्तों, हम एक फ्रेश आंवले की बात कर रहे हैं जो थोड़ा कड़वा होता है, हर कोई आंवले को चबा नहीं पाता है, इसलिए हम आंवले का जूस पियेंगे। जब हम रोज़ाना आंवले का जूस पीना शुरू कर देंगे, हमारे आँखों के आसपास की नसों को वो ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ आंवला ही नहीं, हमारी आँखों की जो रोशनी बढ़ाने में या हमारी आँखों की जो ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं वो खाना है गाजर और पालक। अगर हम रोज़ाना शाम के टाइम गाजर और पालक का जूस पीना शुरू कर दें या फिर अपने खाने में गाजर और पालक को सलाद की तरह रखना शुरू कर दें, तो 1 महीने के अंदर हमारी आँखें सही होना शुरू हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को रोज़ाना करने से हमारी आँखों का नंबर वहीं पर रुक जाएगा और धीरे धीरे वो नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो टॉपिक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।